हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ विभिन्न टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ और जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर लिया है मैंने सारे महत्वपूर्ण आप सबके द्वारा पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं ये अंतिम वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू प्रिपरेशन पे। आपको जैसा पता है कि आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 6 जुलाई है और आज से सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 दिन, 1 महीना, 1 मंथ आपके पास सिर्फ शेष बचा हुआ है। तो मैंने सोचा एक लास्ट वीडियो और बना देता हूँ। वैसे तो मैंने समय समय पर 60 दिन पर, 80 दिन पर, 35 दिन पर इस तरीके से मैंने वीडियो बनाया है कि अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है, कैसे तैयारी करना है, चीजें बताता रहूं। तो ये लास्ट वीडियो है कि कैसे आपको क्या करना है अंतिम समय में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन शुरू किया था। बताना कमेंट में जरूर क्या आपने प्रिपरेशन कब से शुरू किया। तो वो छात्र कमेंट करें कि सर इतने कम समय में कैसे तैयारी पूरा करें, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इतना सब कुछ घोचपोच हो गया, इतना सब कुछ पढ़ डाला है उन्होंने, अब उनको समझ नहीं आ रहा लास्ट टाइम में पढ़ना क्या है, रिवीजन क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। साथ साथ कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि सर कितने अंक लाने पर कम से कम हमें सरकारी सीट मिल जाएगी, या पासिंग मार्क कितना है कि हमें कम से कम इतना अंक मिल जाए तो हमें प्राइवेट कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन तो मिल जाएगा। साथ ही साथ एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, अगर है तो कितना है, कितने परसेंट का नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, ये सब कुछ आपको बताने हो। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग और कृषि वर्ग का जो 50% रहेगा इसमें हमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। सब बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, इनमें आपके भी डाउट के प्रश्न लिया हो मैंने, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करके दूसरे भी छात्रों को मदद कीजिएगा, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 1000 लाइक का एम रखता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं चुटकियों में पूरे हो जाएंगे, आप सब लोग इतना सपोर्ट और प्यार करेंगे भाई इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों क्लास को, वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। और हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लास आज नहीं कराई, तो हाँ बिल्कुल क्लास आज नहीं कराई है, बी टॉपर पर ये वाली वीडियो डाल दिया है। इसीलिए दोस्तों अभी हम थोड़ी देर बाद बी टॉपर 2.0 चैनल पर हिंदी का टेस्ट करेंगे। तो बी टॉपर 2.0 चैनल जो हमारा दूसरा है उसको भी सब्सक्राइब कर लो, जिसको नहीं पता है वहाँ पर हम क्लास करने वाले हैं। आज इस चैनल पर नहीं करेंगे, इस चैनल पर शाम को होगी और कल से यहाँ पर भी कंटिन्यू स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर आ जाना। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1 करके सारी चीज़ों को क्लियर करते। तो देखो भाई, अगर आपने प्रिपरेशन फॉर्म भरने के बाद 50% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरने के बाद में, यानी कि जब फॉर्म आया है मार्च में, उसके बाद में जब फॉर्म उन्होंने आवेदन कर दिया है उसके बाद में प्रिपरेशन शुरू किया है, ठीक है। मार्च का फॉर्म तो अप्रैल में आया, ठीक है। तो अप्रैल देखिए कितना टाइम वेस्ट हो गया, मतलब बहुत सारे छात्र तो मेरे साथ जनवरी से तैयारी कर रहे हैं, मैं जनवरी से क्लासेस चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, अपने इसी चैनल पर चला रहा हूँ, बहुत सारे छात्र जनवरी से पढ़ रहे हैं। और 50% छात्र ऐसे हैं जो फॉर्म फिलअप करने के बाद, यानी अप्रैल के बाद से तैयारी शुरू किया, उनके पास सिर्फ 30-40 दिन बचे थे शेष। तो ऐसे कितने छात्र हैं भाई, कौन कौन फॉर्म भरने के बाद उन्हें आवेदन शुरू प्रिपरेशन शुरू किया, कमेंट में जरूर बताना। तो ऐसे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे सर कैसे तैयारी कर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने कम समय क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ, कुछ लोग तो यही सोच सोच के दिन बर्बाद किए जा रहे थे, ठीक है। तो अब भाई बचा सिर्फ और सिर्फ 30 दिन। अगर अभी भी आप सही रणनीति, सही दिशा में तैयारी करते हो, सटीक चीजें पढ़ते हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अभी भी आप अच्छे अंक प्राप्त करके गवर्नमेंट सीट हासिल कर सकते हो, लेकिन खुद को 30 दिन झोंक देना पड़ेगा, ठीक है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। आइए बात करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करना है। तो देखो भाई, अब आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि थ्योरी अब मत पढ़ो, खासकर जिन्होंने प्रिपरेशन फॉर्म भरने के बाद शुरू किया वो तो थ्योरी में बिल्कुल मत फंसे कि हम थ्योरी पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, ये सब करोगे भाई तो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कुछ भी याद नहीं हो पाएगा आपको। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ समय बचा है। देखिए जो जनवरी मंथ से तैयारी कर रहे हैं उनको तो भाई रिविजन करना, उनके लिए मैं यही सलाह दूंगा, रिविजन 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 करो, सिर्फ और सिर्फ रिविजन करो भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा रिविजन आपके लिए, क्योंकि इतना कुछ पढ़ लिया आपने उसी में से सब कुछ आएगा। जिन्होंने फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिपरेशन शुरू किया है उनके लिए मैं शॉर्ट टर्म बताता हूं कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप 10 साल का प्रीवियस पेपर जरूर सॉल्व करो, जिसने नहीं किया है वो भाई गलती कर रहा है, क्योंकि आपके 40% जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस पेपर से ही फंसने वाले हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग पेपर जरूर सॉल्व करें। रिपीट ना हो तब भी सभी परीक्षा की तैयारी करने का मूल मंत्र यही होता है कि सबसे पहले आप उस परीक्षा के प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करें, ठीक है। उससे आपका पैटर्न पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कितने
कितना कठिन आता है, कितना आसान आता है, ये सब कुछ पता चलता है प्रीवियस पेपर से। तो सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा 10 साल का पेपर जरूर सॉल्व कर लो, भले आपने प्रिपरेशन करने में देरी कर दो, लेकिन सबसे पहले पेपर सॉल्व करो। अब पेपर्स कैसे मिलेंगे मैं आपको बताने वाला हूं। जो गूगल पे डाउनलोड करके पेपर मिलता है वो मत करना, गलती मत करना भाई। मैंने देखा है गूगल पे बहुत सारे दूसरे एग्जाम के यूपी बीएड परीक्षा का टाइटल डाल के पेपर दे देते हैं बच्चों को, उनको लगता है ये पेपर बीएड का है, बट सबसे ज्यादा हानिकारक ये होता है दूसरे परीक्षा का दिया होता है वो, और उसको डाउनलोड करके बच्चे उसको फॉलो करते हैं उस सिलेबस को, और उसके बाद में एग्जाम बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो ये गलती मत करो भाई, 150 रुपए के लिए ये गलती बिल्कुल मत करो, फ्री में डाउनलोड कर लें ठीक है। और उसको डाउनलोड भी कर लोगे तो सिर्फ और सिर्फ आंसर की रहता है, यानी कि 4 ऑप्शन है तो उसके ABCD रहता है रीजनिंग के क्वेश्चन के, कैसे सॉल्व किया गया पता भी नहीं चलता आपको ठीक है। तो ऐसे पेपर सॉल्व करने से फायदा क्या है, मैं जो पेपर्स आपको रेकमेंड करने वाला हूँ जो हमारे द्वारा तैयार किया गया है, उसमें आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है, क्या आंसर है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं वो भी बताए गए, हर एक क्वेश्चन के पेपर मिल जाएंगे। यहाँ तक इस बार जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ऑर्गेनाइज कर रहा है पेपर, ये रुहेलखंड विश्वविद्यालय पिछले 3-4 साल और करवाया था पेपर, उसके भी पेपर लगाए हैं मैंने, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय किस तरीके से पेपर बनाएगा इस बार। तो हमारा जो 10 साल का पेपर है वो आप जरूर लीजिएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको मिलेगा ठीक है। ये WhatsApp नंबर है, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा ठीक है। 149 रुपीज में सिर्फ आपको पेपर से नहीं, आपको पूरा कंटेंट दूंगा अभी मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ दूसरा चीज क्या रहेगा, पहला स्टेप तो हो गया आपका पेपर सॉल्व करना, दूसरा स्टेप हो गया आप सिलेबस टॉपिक वाइज मत पढ़िए, यानी थ्योरी मत पढ़िए, थ्योरी टॉपिक वाइज मत पढ़िए, आप पढ़िए MCQ, हर टॉपिक के MCQ पढ़िए। जैसे मान लो कि आपका GK में हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, मान लो हिस्ट्री की अगर एग्जांपल लें तो हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे, मैंने कई बार बताया हिस्ट्री में आपको तीनों सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे आपका मेडिवल हो गया, मॉडर्न हो गया, एंशंट हो गया, इन तीनों से प्रश्न आते हैं। तो अगर भाई आप एंशंट, मॉडर्न और मेडिवल का आप MCQ सॉल्व करने लगोगे तो बहुत सारा MCQ निकल के आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर सेलेक्टेड हर टॉपिक के 200-250 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने क्या तैयार किया है, आपको टॉपिक वाइज MCQ तैयार करके दे दिया है अपने कोर्स में, जिसकी कीमत 149 रुपीज़ है, उसमें 10 साल का पेपर जो मैंने बताया वो रहेगा, और सारे टॉपिक के जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मिसलिनियस हो गया, मिसलिनियस सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके देश की मुद्रा, देश की राजधानी, देश की कैपिटल क्या है ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आती हैं उसमें वो आपको वहां पर मिल जाएगा। दिवस, प्रमुख दिवस हो गया, प्रमुख झील हो गया, प्रमुख नदियां, ये सब कुछ आपको वहां पर मिसलिनियस में मिलेगा। तो ये सारे टॉपिक वाइज MCQ मैंने अरेंज किए हैं, जो बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है ठीक है। अब इसको कैसे खरीदना है, मात्र 100 भाई, ये हमारा वो कोर्स है जिसको आपको परचेज करना है, इसकी कीमत मात्र 149 रुपीज़ है। अगर आपने प्रिपरेशन देर से शुरू की है तो ये कोर्स रामबाण साबित होने वाला है दोस्तों, कम समय में कंप्लीट करने के लिए सिलेबस, रिवीजन करने के लिए भी बहुत मदद मिलेगा इससे। इसमें आपको 10 साल का पेपर जो बताया विद एक्सप्लेनेशन वो मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलेगा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और हाँ केवल GK का ही नहीं, हिंदी के भी टॉपिक वाइज जितने MCQ हैं चैप्टर वाइज ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, संधि विच्छेद हो गया आपका ठीक है, समास हो गया, अलंकार हो गया, छंद हो गया, ये सारे टॉपिक के जितने MCQ इंपॉर्टेंट है वो, उसके बाद रीजनिंग के इतने इंपॉर्टेंट MCQs हैं टॉपिक वाइज जो भी ठीक है, जैसे नॉन वर्बल, वर्बल सब कुछ यहां पर डाले गए हैं। टोटल 490 पेज का पूरा एक क्रैश कोर्स का नोट्स है, आप इसको परचेज करें, मात्र 149 रुपए इसकी कीमत है, सिर्फ 500 छात्रों के लिए शेष बचाया है फिर से दोस्तों 149 रुपए में। अगर आप इच्छुक हैं तो अभी कभी इसको परचेज के लिए, लिंक इसको बाय करने का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से खरीद सकते हैं ठीक है। अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, पेमेंट फेल्ड बता रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करिए, यहां पर जो नंबर लिखा है इस पे आप WhatsApp मैसेज करिए, कॉल नहीं करना है, कॉल लगेगी भी नहीं, नहीं उठेगी, तो आप इस नंबर पे WhatsApp मैसेज करिए कि सर हमें नोट चाहिए या कोर्स चाहिए, आपको वहां पर डिटेल दी जाएगी कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे क्या प्रोसेस है बता दिया जाएगा। तो WhatsApp मैसेज कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है भाई, 149 रुपए के लिए बिल्कुल मत सोचो, नोट्स खरीद कर उसको फॉलो करो, बहुत मदद मिलेगी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जो तैयारी की है 30 डेज में, उसमें आपको लाइव प्रैक्टिस सेट करना है, लाइव प्रैक्टिस सेट डेली रेगुलर हिंदी, GK, रीजनिंग, इन सभी का लाइव प्रैक्टिस सेट करो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ MCQ का प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस सेट के लिए भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही है भाई ठीक है, बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगता, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है, इसी चैनल पर जिस पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस चलती है सारी, टाइमिंग आपको सामने दिख रही है, इन टाइमों पर क्लासेस मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जो क्लास
चलती है उनकी पीडीएफ फाइल भी मैं दे देता हूँ फ्री में टेलीग्राम पे रिवीजन करने के लिए हर क्लास का। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, अगर कोई कुछ बात करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट क्लियर करना चाहते हो, अगर डायरेक्ट मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, मुझे फॉलो करके वहां पर मैसेज करिए। फॉलो जरूर कर लेना क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, ऐसे काउंसलिंग कराना है, नंबर कमाए हैं, कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा, कितने कॉलेज चूज करने हैं, पेमेंट कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप जो भी डाउट हो मैसेज कर सकते हैं। तो ये हो गया भाई क्लास की बात, फ्री में क्लासेस कैसे मिलेंगे और नोट्स की भी मैंने बता दिया कि नोट्स कैसे खरीदना है, नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया पहला स्टेप, आपका पेपर सॉल्व करना है, फिर आपको टॉपिक वाइज MCQ, टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो मैंने सीरीज तैयार किया गया नोट्स में उसको पढ़िए, ठीक है। साथ साथ आप लाइव प्रैक्टिस सेट करिए दो डेली। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग का एक दो चैप्टर रोज लगाइए, सुबह शाम आप नियम बना लीजिए कि हमें दो चैप्टर का प्रैक्टिस करना है, भले आप 15-15 क्वेश्चन ही हर चैप्टर से करें लेकिन रीजनिंग के जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेस्ट रहने वाला है। फिर अगला देखिए, अगला स्टेप क्या है, अब इस 30 दिनों में क्या करना है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगला आपको हर वीक एवरी वीक आपको रिवीजन करना है, जो भी आप पढ़ें उसको एवरी वीक रिवीजन करें, रिवीजन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं भाई, सब भूल जाओगे आप, ठीक है। तो ये हो गया चौथा स्टेप। पांचवा आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड बिल्कुल ऑथेंटिक चीजें बताऊंगा भाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप लोग यहां पर देख सकते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की प्रारंभिक तिथि जो है वो है भाई 25 जून 2022 दिन शनिवार को एडमिट कार्ड सुबह 10 बजे आ जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है टेंशन मत लेना, हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो हमारे चैनल पर, ठीक है। तो प्रवेश पत्र आपका 25 जून को आ जाएगा, पढ़ाई पर ध्यान दो, प्रवेश पत्र तो आ ही जाएगा। परीक्षा की तिथि भी आपको बता दी गई है, परीक्षा तिथि जो है 6 जुलाई को आपकी परीक्षा संपन्न कराई जाएगी, दिन बुधवार को। तो ये हो गया भाई एडमिट कार्ड का। अब बात कर लेते हैं पासिंग मार्क। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर समय कम बचा है, कम से कम कितने अंक ले आऊं कि मेरा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए या सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, कम से कम बात की जा रही है पासिंग मार्क की। तो भाई देखो पासिंग मार्क इसमें कुछ भी नहीं होता है, इसमें मैंने पिछले साल भी करवाया तैयारी, बहुत 2-3 साल से करवा रहा हूं। इसमें होता क्या है, कॉलेज की सीटों पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सीटें बच गई है तो डायरेक्ट एडमिशन आपके 30 नंबर भी होते हैं ना तो भी हो जाते हैं, अगर सीटें बच गई। लेकिन इस बार भाई पॉसिबिलिटी नहीं है सीट बचने की, क्योंकि इस बार मारामारी होने वाली है प्राइवेट सीटों के लिए भी, मारामारी होने वाली, 7 लाख करीब आवेदन हुए हैं और सीटों की संख्या कितनी है पता है, प्राइवेट सीटों की संख्या है करीब करीब 2.5 लाख, 2.5 लाख से कम ही है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा कि 2.5 लाख कम से कम प्राइवेट सीटें हैं और 12-15 हज़ार केवल और केवल सरकारी सीटें हैं। तो टोटल कितने, अगर हम बहुत ज़्यादा बोल दें तो 3 लाख सीटों पर प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के 3 लाख सीट है कुल अपने यूपी में और आवेदन कितने हैं 7 लाख। बच्चे कितने परीक्षा में बैठेंगे, लगभग 6 लाख, छोड़ेगा कोई नहीं भाई, 1,000 फीस देके कोई भी परीक्षा छोड़ता नहीं है। तो 6 लाख करीब करीब बच्चे बैठेंगे, 3 लाख सीटें हैं, 6 लाख में से 4 लाख तो परेशान ही रहेंगे लेने के लिए एडमिशन, ठीक है। तो भाई मारामारी बहुत होने वाली है, इसलिए भाई कम से कम की बात मत करो, ज्यादा से ज्यादा जितना नंबर ला सको, जितना जी जान लगा सको उतना मेहनत करो भाई, ठीक है। वैसे तो सीट बच जाएगी तो 30 नंबर पर भी डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, 15 नंबर पर ही हो जाता है सीट बचने पर, लेकिन सीट नहीं बचने वाली है इस बार। इस बार फाइट होगी, नंबर आएगा, जितना नंबर आएगा उसी हिसाब से काउंसलिंग होगी, आपको सीट मिलेगी। तो भाई फाइट होगी, 1 महीने बचा, अब भी आप अच्छी तैयारी करके नंबर गेन कर सकते हो। तीसरी बात कर लेते हैं भाई नेगेटिव मार्किंग बारे में, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होता है 1/3 का। अदर एग्जाम की बात करें, अगर UP SSC की PET वगैरह का एग्जाम दिया होगा आपने तो कितना होता है मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए प्रवेश परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 यानी 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर अगर आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 1 प्रश्न का अंक कितना है 2, और अगर आप 3 प्रश्न गलत कर 1 प्रश्न सही करते हो तो आपको कितने अंक मिलेंगे 2 अंक मिलेंगे। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो 1 प्रश्न का पूरा अंक काट लिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 अंक आपका कट जाएगा। अच्छा अदर एग्जाम में क्या होता है 1/4 का मार्किंग होता है, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर 1 प्रश्न का अंक काटा जाता है, यहाँ पर 3 ही प्रश्न पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो भाई नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ा वाला है, इसीलिए भाई आप मेहनत करिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगला टॉपिक जो हमारा है, सारे डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। तो
नेगेटिव मार्किंग का भी हो गया। अब आपको ये क्रैश कोर्स के लिए भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। मैंने आपको चीज़ें बता दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, इसमें 10 साल का पेपर आपको पहले सॉल्व करना है, नहीं किया तो कर लीजिए। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। कंटेंट कहाँ से मिलेगा, नोट्स में हमारे मिल जाएगा, 149 रुपीज़ का है, बिल्कुल मत सोचिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आखिरी बार में पढ़ डालो, एक महीना समय है। लाइव प्रैक्टिस डेली अटेंड करो, क्लासेस हमारे चैनल पर चलती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस वाले चैनल को। अगर क्लासेस चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। एवरी वीक रिवीजन करना है आपको। एडमिट कार्ड 25 जून को आ जाएगा। पासिंग मार्क का कोई पता नहीं है, कुछ भी कितने भी नंबर एडमिशन हो जाता है, बट आपको ज़्यादा ज़्यादा अंक लाना है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एग्जाम डेट जो है 6 जुलाई को ही संपन्न होने वाली है। और नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अदर जानकारी चाहिए, कुछ मुझसे बात करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बी टॉपर 2.0 चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पर कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, ये भी सब कुछ आता है। साथ ही साथ बात कर लें कि अगर आप स्ट्रीम में क्या पढ़ना है, ठीक है, तो स्ट्रीम में भाई कला वर्ग में आपका, अगर कला वर्ग की बात करें तो आपको जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है सारे सब्जेक्ट के फील्ड आते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स के प्रश्न आएंगे, मनोविज्ञान का आएगा, सोशोलॉजी समाजशास्त्र का प्रश्न आएगा, समाज कार्य एक सब्जेक्ट होता है यानी सोशल वर्क, उसका भी प्रश्न आएंगे। तो ये सब कुछ पढ़ना है आपको इसमें भाई, ये पढ़ना है आपको आर्ट स्ट्रीम वालों को। साइंस स्ट्रीम की बात करें, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनके भी क्वेश्चन आपको हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएंगे। साइंस स्ट्रीम वालों के लिए बल्ले बल्ले है भाई, स्ट्रीम वाइज क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे हमारे कोर्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। साथ ही साथ कॉमर्स वालों को भाई, जो आपने बीकॉम कर रखा है, जो कि कुछ कर रखा है कॉमर्स का, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ग्रेजुएशन का, वो आप पढ़िए, उसी से आपको मदद मिलेगी। बाकी और कोई कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है कॉमर्स का। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मिलते हैं क्लास में। बी टॉपर 2.0 चैनल पर हिंदी का टेस्ट करते हैं, आ जाइए सब लोग।